अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मुबशर टेक्निकल। माय नेम इज़ मुबशर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ही मोबाइल से किस तरह थंबनेल बना सकते हैं यूट्यूब के लिए। बहुत इजी होता है, बहुत ही आसान होता है, बट लोग बहुत मुश्किल समझते हैं इसे। करते हैं वीडियो को शुरू विदाउट टाइम वेस्ट की, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऐप की ज़रूरत होती है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सलैब उसका नेम है, कुछ इस तरह का उसका आइकन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जाकर आपने इसे डाउनलोड करना है, सिंपली कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने आप, यहाँ से जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आ जाना है साइज़ में, ठीक है गाइस, यहाँ पर साइज़ पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसे 1280 रहने देना है। और इसकी जो हाइट है ना, इसे आपने दोस्तों बढ़ा देना है, यहाँ पर तकरीबन कम करना है 720। करने के बाद सिंपली ओके करना है और इस तरह का कुछ साइज़ आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करके आ जाना है इस पर इम्पोर्ट पर। इम्पोर्ट में आने के बाद आप यहां से कोई भी इमेज वगैरह इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसमें मैं यहां पर एक इमेज एयर ओ इम्पोर्ट करता हूं। इम्पोर्ट करने के बाद गाइस मैं इसे क्रॉप कर लेता हूं यहां से। इतना क्रॉप करने के बाद डन पर क्लिक करता हूं और यहां पर ये एडजस्ट हो गई, ठीक है गाइस। इसके बाद फिर यहाँ पर मैंने आना है दोबारा, फिर इम्पोर्ट पर क्लिक करना है गाइस मैंने, और इसमें आने के बाद यहाँ पर कोई और इमेज लेनी है हमने, जैसा कि ये रही, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसे क्रॉप कर लेना है इस तरीके से, डन पर क्लिक करना है और इसे इस तरह से आगे ले आना है गाइस, ठीक है। इसके बाद फिर आपने आना है यहाँ पर, क्लिक करना है इम्पोर्ट पर क्लिक करना है, ठीक है गाइस। तीनों इमेज ऐड कर लेता हूँ मैं एक बार इसमें, तो ये रहा इस तरह ही कुछ। डन पर क्लिक करते हैं और इसे भी इस तरह एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। तो उम्मीद है कि हमारी जो ये इमेज है बहुत अच्छी बनेगी और थंबनेल, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपने यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं दरमियान में। लिखने के लिए आपने वो प्लस पर आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है गाइस, यहाँ पर आना है, डबल क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा कि कैन मास्टर, कैन मास्टर टाइप किया और मैंने ओके प्रेस किया गाइस। इसके बाद आपने इसे ले आना है और इसका साइज़ को इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पर रखना है और यहाँ पर फॉन्ट में आ जाना है अपने फॉन्ट में, ठीक है गाइस। फाउंड में आने के बाद यहाँ पर आप अपना फाउंड भी चेंज कर सकते हैं ईजिली, जो फाउंड आपको अच्छा लगे। आप वो फाउंड देने के बाद यहाँ पर हम कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, इसमें शेडो वगैरह दे सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी शेडो देना चाहें ये देखें, ठीक है। बॉर्डर जैसे बोलते हैं आप, ये हम बॉर्डर यहाँ से कोई भी आप दे सकते हैं, इस तरह का बॉर्डर भी दे सकते हैं ये देखें, ठीक है गाइस। अपने हिसाब से जो आपको बॉर्डर अच्छा लगे आप वो अप्लाई करें इसमें। ये रहा मेरे पास, ये काफ़ी अच्छे बॉर्डर है, इसे मैं यहाँ पर इस तरह इसे अप्लाई करता हूँ। इसके बाद ओके प्रेस करना है, इसमें शेडो में आना है, शेडो में ये देता हूँ शेडो में, और साइज़ थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ। नहीं नहीं इसका साइज़ इतना नहीं सही रहा, यहाँ पर सही है, और भी कम करते हैं इसको हम। कैपेसिटी और यहाँ पर, ठीक है गाइस। इसके बाद ओके करने के बाद गाइस, इसके बाद इसमें मैंने शैम्पू इंटर करनी है, यहाँ पर ये मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पर ओके। इसके बाद कुछ भी आप इसमें चेंज करते रहते हैं, 3D में चेंज कर सकते हैं। 3D में चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़, ये देखिए 3D में हो रहा है, ये देखिए अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से इसे 3D में कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छा लगे आप इजीली से बना सकते हैं 3D में। ओके करने के बाद इसमें ये क्लिक करें, बैक शेडो में आ जाएगी, आप यहाँ पर कुछ भी इस तरह का बना सकते हैं, लाइन बनाकर नीचे, ठीक है, रख सकते हैं। हमेशा ब्लैक रखी जाता है, यहाँ पर ब्लैक ही कलर मैं देता हूँ। ओके करते हैं, अब इसको साइज़ को डी इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर रखते हैं, ये देखें गाइस,
आपने मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया, कुछ और आप लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, जो दिल करे आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप कोई बॉक्स वगैरह बनाना चाहते हैं, बॉक्स बनाने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, आपने वो साइज़ लेना है जैसा कि मैं ये लेना चाहता हूँ, ठीक है। इसे हमने डी इनक्रीज़ किया, आई एम सो सॉरी, इसे थोड़ा सा हम सीधा करेंगे यहाँ पर। इतना करने के बाद ओके करना आपने, यहाँ पर रख सकते हैं ओके। ये दे रही, इसका साइज़ कलर वगैरह आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बॉर्डर मैंने के बाद बॉर्डर देते हैं हम ये, ये देखिए जिस तरह ये बना हुआ, ये भी लगा दिया मैंने सीनरी में। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।